टाटा स्टील शेयर बिगेस्ट डिविडेंड न्यूज कवर कर रहा हूँ, किंतु छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़। रुपया 170 के पार जाएगा टाटा का यह शेयर, लगातार चढ़ रहा है भाव। 29 डिविडेंड दे चुकी है कंपनी, एक्सपर्ट बोले खरीदो इसे दबाकर। टाटा स्टील शेयर टारगेट, अगर आप टाटा ग्रुप के शेयर पर दाव लगाने की सोच रहे हैं तो टाटा स्टील के शेयर पर फोकस रख सकते हैं। प्रमुख ब्रोकरेज फर्म एक्सिस सेक्रेटरीज ने आयरन एंड स्टील सेक्टर की टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा स्टील लिमिटेड पर 177 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ खरीदने का सुझाव दिया है। BSE पर टाटा स्टील का शेयर मौजूदा बाजार मूल 155.90 रुपया है। कंपनी का मार्केट कैप 1,94,616 करोड़ रुपये का है, तो कंपनी बड़ी कंपनी बन चुकी है। कंपनी का शेयर की PE 43.67 और EPS 3.73 है। इस बीच यह ध्यान रखना जरूरी है कि स्टॉक में LIC की भी हिस्सेदारी है और यह 7.29% हिस्सेदारी है। LIC के पास 90,97,66,778 शेयर हैं। टाटा स्टील का शेयर पिछले एक साल में 52% और पिछले 6 महीने में 23% बढ़े हैं। टाटा स्टील के शेयर में लगातार छठे सेशन से तेजी बनी हुई है। BSE पर टाटा स्टील के शेयर की 52 सप्ताह की हाई कीमत 159.50 रुपये और लो कीमत 101.65 रुपये है। टाटा स्टील के शेयर पिछले 1 महीने में 11%, 6 महीने में 23%, 2 साल में 16% और 3 साल में 103% का रिटर्न दिया है, तो 3 साल में पैसा डबल कर चुका है। जबकि बैंक आपको 10 साल में करता है डबल, तो ये 3 साल में डबल किया। इसके अलावा कंपनी डिविडेंड भी देता रहा FD का इंटरेस्ट रेट का। पिछले 5 सालों में टाटा स्टील का स्टॉक 208% बढ़ा है। दिसंबर 2023 तिमाही में FII/FPI निवेशकों की संख्या 1072 से घटकर 1036 हो गई। ट्रेंडलाइन के अनुसार दिसंबर 2023 तिमाही में म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 9.44% से बढ़कर 9.83% हो गई। डिविडेंड दे चुकी है कंपनी, डिविडेंड पेइंग कंपनी है और डिविडेंड का हिस्ट्री बहुत ही लंबा है। लंबे समय से कंपनी अपने निवेशकों को लगातार डिविडेंड दे रही है, तो कोई भी एक दो साल डिविडेंड देने वाले स्टॉक में नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए जो कंसिस्टेंसी के साथ लंबा डिविडेंड देता हो और अच्छी रेशियो में देता हो डिविडेंड। बता दें कि टाटा स्टील 24 मई 2001 से 29 डिविडेंड घोषणा किया है। पिछले 12 महीने में टाटा स्टील ने 3.60 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड की घोषणा किया है। ट्रेंड लाइन पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 155.15 रुपये के मौजूदा शेयर प्राइस पर टाटा स्टील की डिविडेंड यील 2.31% है, किंतु जो लोअर लेवल पर एंट्री ली है उनका डिविडेंड यील 8-10% भी होगा। टाटा स्टील ने 2022 में 51 रुपये प्रति शेयर का अब तक का सबसे बड़ा डिविडेंड की घोषणा किया था, जिसका एक्स डेट 15 जून 2022 तय की गई थी। इसके अलावा टाटा स्टील ने स्टॉक स्प्लिट किया। टाटा स्टील का लास्ट स्प्लिट 2022 में 1.10 के रेशियो में हुआ था। टाटा स्टील प्रत्येक साल एक बार डिविडेंड देता है और वो Q4 रिजल्ट के साथ डिविडेंड देता है, तो नेक्स्ट मंथ में टाटा स्टील का Q4 रिजल्ट आने वाला है, तो उसी के साथ कंपनी का एक डिविडेंड भी आता हुआ दिखेगा फाइनल, और लगभग 5 रुपये के आसपास ये डिविडेंड रहने वाला है।